Vayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय छात्रों एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूं अपने इस आज के सत्र के साथ जो कि हमारे कोर्स टाइटल अप्लाइड साइकोलॉजी का चौथा सत्र है यानी लेक्चर नंबर चार और इसका टाइटल है साइकोलॉजी इन इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस पार्ट थ्री और अपने इस आज के सत्र में हमने जो चर्चा अपने पिछले सत्र में की थी यानी सत्र नंबर दो साइकोलॉजी इन इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस पार्ट टू उसमें हमने चर्चा की किस प्रकार से जॉब एनालिसिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसका किया जाना और उससे संबंधित क्या क्या विधियां हैं जिनके द्वारा जॉब एनालिसिस की प्रक्रिया को हम पूर्ण करते हैं या उसका हम उसके द्वारा हम डेटा कलेक्शन करते हैं और उसके साथ ही साथ जो जॉब एनालिसिस के महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं उन पर भी हमने अपने पिछले सत्र में चर्चा की और उसके बाद जॉब एनालिसिस के पर्पस की हमने चर्चा की यानी कि जॉब एनालिसिस का जो मुख्य उद्देश्य है एक संस्था के अंदर जो जॉब एनालिसिस की प्रक्रिया की जाती है उसका क्या उपयोगिता है क्या उसका उद्देश्य है जिसमें हमने देखा कि जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब इवेलुएशन इन तीन की हमने वहाँ पर बात की और जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब इवेलुएशन के द्वारा जो जानकारियाँ हमें मिलती हैं उस जॉब के बारे में उससे संबंधित और कुछ इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं जो एचआर एक्टिविटीज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं जो उससे जुड़ी हुई होती हैं और हम अपने इस सत्र में उस बचे हुए जो चर्चा थी हमारी पिछले सत्र की उसको यहाँ पर पूर्ण करने के बाद हम आज की अपनी चर्चा जिसमें हम मुख्य रूप से जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो कार्य से संबंधित कुछ फैक्टर्स हैं जो उसको प्रभावित करते हैं उसमें एक प्रमुख रूप से पर्सनैलिटी और एबिलिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस उसकी हम चर्चा अपने बचे हुए समय में आज के सत्र में करेंगे तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम बात करेंगे जॉब एनालिसिस की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से उसका जो नेचर है वो मल्टी फैसेटेड है यानी कि जो बहुआयामी उसकी उपयोगिता है जॉब एनालिसिस की एक संस्था के अंदर उसके बारे में हम आज अपने इस सत्र की जो शुरुआती जो चर्चा है उसमें हम इस पर ध्यान देंगे जॉब एनालिसिस जैसा कि हमने अपने पिछले सत्र में जो चर्चा की उससे एक चीज़ तो स्पष्ट हो जाती है कि जॉब एनालिसिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है यानी कि जॉब एनालिसिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन इट इन्फ्लुएंसेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन और जब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन की तो इससे थोड़ा सा पहले मैं यहाँ पर यह चर्चा आपके लिए करना चाहता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका इतना महत्व इसलिए होता है यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका इतना महत्व इसलिए होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन बींग्स यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका नेचर जो है वो डायनामिक है वो वहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो उसका जो रिसोर्सेज़ हैं जो कैपिटल है उनसे अलग जो ह्यूमन कैपिटल है जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका जो नेचर है वो डायनामिक होता है और ह्यूमन रिसोर्सेज की जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं आगे चल के ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस या फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और ऐसे में एक संस्था में बेहतर वर्कफोर्स यानी क्वालिटी वर्कफोर्स का होना कहीं ना कहीं ये सुन, सुनिश्चित करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगा साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेगा और ऑर्गेनाइजेशन अपना स्थान बनाए रखने में चाहे वो मार्केट के अंदर चाहे वो सोसाइटी के अंदर चाहे वो कॉम्पिटिटिव जो एनवायरमेंट है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन अपने इस बेहतर क्वालिटी वर्कफोर्स के साथ वो सस्टेन भी करेगा और डेवलप भी करेगा तो इसलिए जो क्वालिटी वर्कफोर्स है उसका जो ओवरऑल जो मेंटेनेंस है जो मैनेजमेंट है वो एच डिपार्टमेंट के तहत आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और एच डिपार्टमेंट कि कुछ प्रमुख एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर जो दर्शाई गई हैं आपकी स्क्रीन पर जिसमें पहला है सेलेक्शन प्रोसेस दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग तीसरा है एम्प्लॉय ट्रेनिंग चौथा है एम्प्लॉय डेवलपमेंट पांचवा है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट छठा है कॉम्पन्सेशन एंड सातवां है सेफ्टी एंड हेल्थ तो ये जो प्रमुख ये प्रमुख कार्य हैं एच डिपार्टमेंट के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और इन सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए एच डिपार्टमेंट इन सभी कार्यों को बेहतर तरीके से कर सके इन सभी प्रोसेसेस को वो अच्छे तरीके से पूरा कर सकें इसके लिए जो एक बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है वो है जॉब एनालिसिस की प्रक्रिया और जॉब एनालिसिस कही कहीं ना कहीं कोर में है इन सभी एक्टिविटीज के यानी कि जॉब एनालिसिस का महत्व इन सभी कार्यों के और इन सभी प्रक्रियाओं के सफलतापूर्वक किए जाने में जॉब एनालिसिस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अब वो कैसे होता है आइए उस पर हम यहाँ चर्चा करते हैं पहला सेलेक्शन जैसा कि हमने अपने पूर्व के सत्रों में चर्चा की कि किस प्रकार से जो सेलेक्शन की प्रक्रिया है उसमें हम एक उपयुक्त व्यक्ति का चयन एक उपयुक्त कैंडिडेट का चयन एक ऑर्गेनाइजेशन के कार्य को करने के लिए या जो भी कार्य हमें उससे करवाना है उसके लिए हम उसका चयन करते हैं और उसमें वो व्यक्ति उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उस कार्य के लिए पूर्णतया उपयुक्त हो ये हम प्रयास करते हैं कि हमारे चयन प्रक्रिया से इस प्रकार के व्यक्ति को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करें या सेलेक्ट करें लेकिन यदि हमारे पास ये जानकारी ही नहीं होगी कि हमें जो कार्य उस व्यक्ति से कराना है या किस कार्य के लिए हम उस व्यक्ति का चयन कर रहे हैं तो ऐसे में हम वो सिलेक्शन की प्रक्रिया को कभी भी सही तरीके से संपूर्ण नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास ये मूलभूत जानकारी का अभाव होगा कि हमें क्या कार्य कराना है इसके लिए हमें रिक्रूटमेंट जिस कार्य के लिए कर रहे हैं उसके बारे में हमारे पास यदि कोई सूचना ही नहीं होगी तो वो कार्य के लिए हम जिसको भी चयनित करेंगे वो कभी भी उसके पूर्ण रूप से उपयुक्त होने या उस कार्य को बेहतर ढंग से पूरा कर पाने की उसकी क्षमता पर हमेशा एक प्रश्न चिन्ह बना रहेगा तो इस प्रकार से सिलेक्शन की जो प्रोसेस है उसमें जॉब एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेकंड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग फिर से हम जब तक ये नहीं जानेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में करेंटली कौन कौन से जॉब किए जाने हैं उनके अंदर किस प्रकार की रिक्वायरमेंट्स आने वाली हैं किस प्रकार के स्किल सेट की रिक्वायरमेंट्स आने वाली हैं और फ्यूचर में जो ऑर्गेनाइजेशन की और फ्यूचर प्लानिंग्स हैं जो फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स हैं जो गोल्स हैं उनसे संबंधित जो कार्य कराए जाने हैं जो एम्प्लॉयज़ उससे संबंधित कार्य करेंगे कहीं ना कहीं यदि उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होगी कि वो जो कार्य फ्यूचर में किए जाने हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो उन कार्यों की जो डिमांड है वो क्या है तो ऐसे में हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग फिर से एक प्रभावी तरीके से पूर्ण नहीं कर पाएंगे उसके बाद एम्प्लॉय ट्रेनिंग की बात आती है जब हम एम्प्लॉय ट्रेनिंग की बात करते हैं तो जब हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रांसफर्स करते हैं या अपने एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन करते हैं या फिर जो करंट हमारी जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जो डिमांड्स हैं क्योंकि आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि एडवांसमेंट्स बहुत ही फास्ट तरीके से हो रही हैं चाहे वो टेक्नोलॉजी के टर्म्स में हो चाहे वो ओवरऑल इंटरेक्शन के टर्म में हो चाहे वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के टर्म में हो वो इस प्रकार की जितनी भी जो एडवांसमेंट्स हैं वो बहुत ही फास्ट पेस पे चल रही हैं और ऐसे में जब हम किसी व्यक्ति को प्रमोट करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं या उसी इस पोस्ट पर बने रहते हुए भी उसको नए कार्यों को उसको उसका चैलेंज उसको सामना करना पड़ता है नए कार्यों को करने के लिए जो कि और ज़्यादा एडवांस्ड टास्क हैं तो ऐसे में उस व्यक्ति को किस प्रकार की उसकी जो नीड्स हैं उसको उस जॉब को पूरा करने के लिए कौन से स्किल्स जरूरी होंगे तो उसको जाने बिना हम कभी भी उसका ट्रेनिंग का जो पूरा प्रोग्राम है उसको प्लान नहीं कर पाएंगे इसीलिए जो ओवरऑल एम्प्लॉयी ट्रेनिंग है उसको हम जॉब एनालिसिस की मदद से हम बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं और एम्प्लॉयीज़ को उनकी ज़रूरत के अनुसार उनकी ऑर्गेनाइजेशन में उनकी महत्व के अनुसार उनको हम ट्रेनिंग प्रदान कर सकते हैं इसके बाद एम्प्लॉय डेवलपमेंट की बात आती है तो यहाँ पर न सिर्फ जो एम्प्लॉय है उसकी उस जॉब को करने की क्षमता की बात आती है बल्कि उस एम्प्लॉय को खुद में डेवलप होने के लिए यानी कि जो व्यक्ति जो एम्प्लॉई हमारी संस्था में काम कर रहा है उसका ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि उसका मोटिवेशन उसका जॉब सेटिस्फेक्शन और उस जॉब से उसकी जो जुड़ी हुई जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो सभी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएं तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो जॉब एनालिसिस की प्रक्रिया है उसको सही ढंग से किया जाए क्योंकि जॉब एनालिसिस से ही हमें ये पता चलता है कि जो व्यक्ति है वो उस कार्य को करने में पूर्णतया सक्षम है या नहीं वो उस कार्य या किसी और कार्य को करने के लिए क्या वो उसके पास स्किल सेट है तो हम उसको वहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं या उसके लिए हम बेहतर तरीके से उसको न्यू चैलेंजेस उसके सामने प्रोवाइड कर सकते हैं तो इस प्रकार से जो एम्प्लॉय डेवलपमेंट है वहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि जॉब एनालिसिस की प्रक्रिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है देन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात आती है और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका समय समय पर उनकी परफॉर्मेंस का मूल्यांकन होता है और उसके आधार पर उनके प्रमोशंस उनके इंक्रीमेंट्स और उनकी जो भी जो भी इंसेंटिव्स या पर्क्स होते हैं वो उसी के आधार पर समय समय पर डिसाइड होते हैं तो ऐसे में जो एम्प्लॉयज़ का ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं बहुत क्रिटिकल होता है उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके ग्रोथ को लेकर के उनकी ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशंस हैं अपनी जॉब से उससे भी और एम्प्लॉयज़ कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस जिसको अप्रेजल भी कहा जाता है जो ओवरऑल उनका एनुअल अप्रेजल किया जाता है उससे भी वो काफ़ी हद तक बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और कुछ हद तक हम ये भी कह सकते हैं कि वो उसको लेकर के कभी कभी सशंकित भी रहते हैं तो ऐसे में जब जॉब एनालिसिस की प्रक्रिया ठीक ढंग से की जाएगी तो हमें ये पता होगा कि जो व्यक्ति उस कार्य को कर रहा है जिस कार्य के लिए उसकी नियुक्ति हुई थी तो क्या वो वाकई में उसी कार्य को अच्छे ढंग से कर रहा है या वो उस कार्य को या उससे ज़्यादा कार्य उससे कराया जा रहा है जिसकी वजह से उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस नीचे जा रहा है या कहीं उसको ऐसा तो नहीं कि वो अंडर चैलेंजड है वो जिस कार्य के लिए नियुक्त हुआ था उससे काफ़ी लो लेवल का काम उसको दिया जा रहा है जिसकी वजह से वो व्यक्ति अंडर चैलेंज है तो इन सभी परिस्थितियों में हम ये देख सकते हैं कि जो उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस होगा वो कही न कहीं ना कहीं इन फैक्टर्स से प्रभावित हो सकता है तो जब हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ऐसे में जॉब एनालिसिस के द्वारा जो प्राप्त जानकारी है वो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है ये इस्टेब्लिश करने में कि जो व्यक्ति की रियल परफॉर्मेंस है उसको हम सही तरीके से इवेल्युएट कर पाएंगे और इस इंफॉर्मेशन के साथ यानी कि विद द हेल्प ऑफ डिटेल्स अवेलेबल बाई द प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस हम उस व्यक्ति की रियल जॉब परफॉर्मेंस को स्टैब्लिश भी कर पाएंगे और एक फेयर परफॉर्मेंस उसका अप्रेजल भी कंडक्ट कर पाएंगे और इससे जो ओवरऑल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है यानी व्यक्ति का ओवरऑल जॉब सेटिस्फेक्शन ओवरऑल जॉब कमिटमेंट ये सभी उसका एनहांस्ड होगा और ओवरऑल मोटिवेशन भी उसका बेहतर दिशा में होगा इसके बाद जैसे कि हमने चर्चा की पहले भी कि कॉम्पनसेशन यानी कि जॉब एनालिसिस के आधार पर ही ये तय होता है कि जो व्यक्ति है जो उस कार्य को कर रहा है उस कार्य की उस ऑर्गेनाइजेशन में रिलेटिव वैल्यू उसकी महत्व क्या है उसी के आधार पर उसका कॉम्पनसेशन डिसाइड होता है इसके बाद सेफ्टी एंड हेल्थ यानी कि जॉब एनालिसिस की प्रक्रिया के दौरान ये भी निर्धारित किया जाता है कि उस जॉब को किन परिस्थितियों में किया जाना है कब किया जाना है और कहाँ किया जाना है तो ऐसे में वो सारी डिटेल्स हमारे पास होती हैं जिससे हम ये देख सकते हैं कि कोई भी जॉब क्या उसकी जॉब कंडीशंस रिस्की हैं या उस जॉब कंडीशन में किस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं क्या उसकी वजह से व्यक्ति को किसी प्रकार का स्ट्रेस या किसी प्रकार की कोई इंजरीज या किसी प्रकार के एक्सीडेंट्स के चांसेस तो नहीं बन रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम सेफ्टी एंड हेल्थ के जो इश्यूज हैं उनको बेहतर तरीके से एड्रेस कर पाएंगे तो यहाँ पर हमने देखा कि जॉब एनालिसिस की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं एच जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे लगभग सभी महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ में जॉब एनालिसिस का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है तो इसलिए जॉब एनालिसिस की जो प्रक्रिया है उसको बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हुए उसको उतनी ही निष्ठा के साथ उतनी ही जिम्मेदारी के साथ उसको पूर्ण किया जाना चाहिए ताकि उससे जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसको हम एक बेहतर तरीके से हम एच आर एक्टिविटीज़ में जो जितनी भी एच आर एक्टिविटीज़ हैं उनमें हम जो भी उसके जो उससे जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं उनको हम बेहतर तरीके से पूर्ण कर पाएंगे इसलिए जॉब एनालिसिस की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण तो मानी जाती है इसके बाद हम जो अपनी अगली चर्चा करेंगे उसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो कार्य है किसी भी संस्था में जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो वहाँ पर कार्य करते हैं और यहाँ पर जब हम बात करते हैं कार्य की सिर्फ अगर हम कार्य की बात करें तो जो कॉन्सेप्ट है जो कार्य की अवधारणा है वो ये है कि केवल ऑर्गेनाइजेशंस में ही नहीं या इंडस्ट्रीज़ में ही नहीं या केवल ऐसी जगह जहाँ पर व्यक्ति को उसके लिए पेमेंट मिलता है या उसके लिए उसको किसी तरह का कोई रिवॉर्ड मिलता है बल्कि कार्य एक ऐसा एक ऐसी हम कह सकते हैं एंटिटी है जो हम जिसमें हमारी लिप्तता हर स्तर पर रहती है यानी कि जब हम किसी फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में नहीं भी होते यानी हम कोई ऐसा कार्य नहीं भी कर रहे हैं जब हम जिसके लिए हमें पेमेंट मिल रही हो उसके बाद भी उसके बावजूद भी हम विभिन्न प्रकार के कार्यों में हम लिप्त रहते हैं और हम उनको पूर्ण करते रहते हैं चाहे वो हमारे घर के अंदर की हमारे कार्य हों चाहे वो जैसे जो आजकल इस बात में बहुत चर्चा होती है कि जो हाउस वाइफ्स हैं उनको हाउस वाइफ्स ना कह के हाउस मेकर कहा जाता है क्योंकि वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है उसी प्रकार से हमारे चाहे वो हमारी फैमिली का ध्यान रखना हो या हमारे चिल्ड्रेंस का हम ध्यान रखते हैं या इस प्रकार से जितने भी हमारी जो सोशल जो एक सेटिंग है उसमें हम जितने महत्वपूर्ण जो भी काम करते हैं तो वो सभी कहीं ना कहीं वर्क की श्रेणी में आते हैं कई बार हमको उस कार्य के लिए एक कॉम्पनसेशन मिलता है एक सैलरी मिलती है एक रिकॉग्नीशन मिलता है और कई बार हमें इसके एवज में कुछ नहीं मिलता तो जो कॉन्सेप्ट है वर्क का वो ये है कि हम सभी कभी न कभी और किसी तरह के फॉर्मल वर्क में एंगेज होते हैं या जो इनफॉर्मल हमारी लाइफ से रिलेटेड जो बहुत सारे टास्क हैं जो वर्क हैं उसमें हम एंगेज रहते हैं तो यानी कि हम सभी किसी न किसी प्रकार से वर्क से जुड़े हुए हैं और अपना कार्य हम निरंतर कर रहे हैं तो ऐसे में जब हम बात करते हैं उसी वर्क की विद इन द ऑर्गेनाइजेशन तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी जितने प्रकार के जो वर्क होते हैं उसको करने के लिए जो एम्प्लॉयज का चयन किया जाता है वो सभी कही कहीं ना कहीं इंडिविजुअल लेवल पर उनकी अपनी एक कह सकते हैं एक अलग पहचान होती है उनकी कुछ सभी की हर एम्प्लॉय की कुछ इंडिविजुअल लेवल पे कुछ उनके अंदर डिफरेंसेस होते हैं यानी कि कोई भी एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से अलग होगा उसके कुछ उसकी कुछ क्वालिटीज उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे तो इस प्रकार से जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनको तीन महत्वपूर्ण हम आस्पेक्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट यानी कि जो एक एम्प्लॉई है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना कार्य कर रहा है उसको हम विद इन ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम तीन लेवल पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसके बीच में और उसकी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं एम्प्लॉयज़ की उनको हम तीन लेवल्स पर उनको हम चेक कर सकते हैं उसमें पहला जो लेवल है वो है पर्सनैलिटी का दूसरा जो लेवल है वो है एबिलिटीज़ का और तीसरा जो लेवल है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस का तो ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण एक हम कह सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के परिचायक हैं यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उनको इन तीन स्तरों पर हम उनको अलग अलग करके देख सकते हैं तो आइए अब हम इसको इसकी चर्चा आगे करते हैं कि ये जो तीन महत्वपूर्ण इंडिविजुअल डिफरेंसेस के जो पैरामीटर्स हैं पर्सनैलिटी एबिलिटीज़ एंड इमोशनल इंटेलिजेंस इसको हम और डिटेल में आगे इसकी चर्चा करेंगे तो जब हम बात करते हैं पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी किस प्रकार से हमारे वर्क को प्रभावित करता है और ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में स्पेशली किस तरह से पर्सनैलिटी एक आवश्यक फैक्टर यानी एक प्रोमिनेंट फैक्टर के रूप में उभर कर आता है तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर कोशिश करेंगे पर्सनैलिटी को डिफाइन करने की तो जैसे मनोविज्ञान में पर्सनैलिटी को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि पर्सनैलिटी हमारे उन कैरेक्टरिस्टिक्स या उन ट्रेड्स के बारे में होता है जो कि स्टेबल होते हैं रिलेटिवली स्टेबल होते हैं और वो कहीं कही ना कहीं जो हमारे बिहेवियर्स हैं उनको प्रभावित करते हैं या हमारे जो बिहेवियर्स जो हम जो रिस्पॉन्स करते हैं कहीं कही ना कहीं वो इन ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स से जो स्टेबल हैं उनसे वो प्रभावित होते हैं तो हम एक रूटीन वे में कही न कहीं ना कहीं बिहेव करते हैं रिस्पोंड करते हैं अपने इन मौजूदा कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स की वजह से तो पर्सनैलिटी की जो एक डेफिनेशन शूल्ड एंड शूल्स ने दी है वो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में बहुत फिट होती है और वो इस प्रकार है पर्सनैलिटी इज एन एंड्योरिंग एंड यूनिक क्लस्टर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मे चेंज इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट सिचुएशन और यहाँ पर भी हमने देखा कि इस परिभाषा में भी उन्होंने इस चीज को स्पष्ट किया है कि जो पर्सनैलिटी है वो एंडिंग यानी कि लॉन्ग लास्टिंग है और कहीं ना कहीं वो रिलेटिवली स्टेबल है और वो एक यूनिक क्लस्टर है यानी कि हर इंडिविजुअल के अंदर एक यूनिक उसका करेक्टरिस्टिक्स का एक उसका एक समूह है वहाँ पर या उसके अंदर जो मौजूदगी है उस यूनिकनेस यानी उसकी एक यूनिकनेस है उसके ट्रेड्स की उसके करेक्टरिस्टिक्स की और वो उसके आधार पर जो उसका रिस्पॉन्स है वो बदलता रहता है समय और परिस्थिति के अनुसार तो इसके बाद हम बात करेंगे ट्रेड्स की यानी शील गुण और ट्रेड्स हैं जिसको हम कहते हैं ट्रेड्स आर रिकरिंग रेगुलरिटीज़ और ट्रेंड्स इन पीपल्स रिस्पॉन्स टू देयर एनवायरमेंट और इसको समझने का एक और आसान तरीका ये है कि ट्रेड्स को हम यूजुअली एडजेक्टिव्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं जैसे अगर हम किसी व्यक्ति को कहें कि ये बहुत ही टॉकेटिव है या ये पर्सन बहुत सोशल है या ये पर्सन बहुत फ्रेंडली है या ये पर्सन बहुत हैप्पी गो लकी है तो इस प्रकार की जो एडजेक्टिव्स का हम इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं जो ट्रेड्स को दर्शाता है कि अगर हम किसी के लिए ये इस शब्द का इस्तेमाल करें कि ये व्यक्ति जो है ये बहुत ही हेल्पफुल है तो इस तरह के जो एडजेक्टिव बेस्ड जो टर्मिनोलॉजी है जो ट्रेड्स हैं जो हमारे ओवरऑल जो बिहेवियर है कहीं ना कहीं उसको प्रिडिक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं तो ऐसे जो ट्रेड्स व्यक्तियों के अंदर मौजूद होते हैं तो इनसे कहीं ना कहीं उनके ओवरऑल रिस्पांस, ओवरऑल बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने में मदद मिलती है इसके बाद जो एक और महत्वपूर्ण बात है वो है क्लासिफाइंग एंड ग्रुपिंग पीपल अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनैलिटी ट्रेट्स इज कन्वीनियंट एंड मे हेल्प एक्सप्लेन हाउ पीपल डिफर इन वर्क प्लेस एंड वट आउटकम्स आर लाइकली तो जैसा मैं आपको बता रहा था ठीक वैसा ही ट्रेड्स की मदद से या पर्सनैलिटी के ओवरऑल हमारे इवेल्यूएशन की मदद से हमें ये जानने का मौका मिलता है या हमें उस व्यक्ति के बारे में उस एम्प्लॉ के बारे में एक बेहतर प्रिडिक्शन करने का हमारे पास अवसर होता है और वो फ्यूचर में कैसे रिस्पॉन्स करेगा कैसे बिहेव करेगा कैसा परफॉर्मेंस देगा इस सभी की एक हम कह सकते हैं एक अंडरस्टैंडिंग बनाने में एक प्रिडिक्शन करने में हमें ये सहायक होता है और इसी के साथ हम ये भी सुनिश्चित कर पाते हैं कुछ हद तक कि क्या वो व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में बेहतर परफॉर्मेंस देगा या उसकी परफॉर्मेंस अप टू द एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी तो इस तरह के प्रडिक्शन्स और इस तरह की हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं और इस तरह का जो हमारा इवेल्यूएसन है ओवरऑल जो पर्सनैलिटी का इवेल्यूएशन है वो कहीं ना कहीं हमारे इस एक पर्सपेक्टिव को डेवलप करने में हेल्पफुल होता है इसके बाद एक महत्वपूर्ण जो मॉडल है रिलेटेड टू पर्सनैलिटी एंड विच इज़ नोन एज द फाइव फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी जिसको बिग फाइव फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है और इसको इस सिद्धांत को इस मॉडल को प्र प्रतिपादित करने वाले कॉस्टा एंड मैक्रे जिसको जिनको इस मॉडल की वजह से बहुत प्रसिद्धि भी हासिल हुई उन्होंने इस मॉडल में अपने इस सिद्धांत में उन्होंने ये देखने का प्रयास किया कि जो ट्रेड्स हैं जो कि जिनकी संख्या बहुत अधिक जब शुरुआत में मनोविज्ञान के क्षेत्र में ट्रेड के ऊपर काम हो रहे थे पर्सनैलिटी के क्षेत्र में तो ये पाया गया कि ट्रेड्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई और ऐसे में हमें जो ट्रेड से जो फ़ायदा जो समझ में आ रहा था जो व्यवहार का जो प्रिडिक्शन हमें करना था जो बिहेवियर को समझने में जो हमें उससे मदद मिलने वाली थी वो कहीं ना कहीं उससे मुश्किल आने लगी और ऐसे में कॉस्टैंड मैकरे ने फैक्टर एनालिसिस की विधि का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ब्रॉड लेवल पे स्टडी की और वहाँ पर उन्होंने ये पांच प्रमुख फैक्टर को उन्होंने वहाँ से निकाला और उन्होंने इसको बताया कि ये पांच फैक्टर्स सभी के अंदर मौजूद होते हैं और ये बेसिकली हम कह सकते हैं बिग फाइव फैक्टर्स हैं यानी इनके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे ट्रेड्स या फैक्टर्स मौजूद हैं लेकिन ये बिग फैक्टर्स हैं और सभी व्यक्तियों में ये फैक्टर्स मौजूद होते हैं और ये आपस में ओवरलैपिंग नहीं है और साथ ही साथ ये जो फैक्टर्स हैं ये आइदर इन लो इंटेंसिटी और इन हाई इंटेंसिटी या इन बिटवीन समवेयर यानी कि एक कंटिन्यूम में जिसको हम लो और हाई के बीच का अगर कंटिन्यूम रखें तो उसमें लो से लेकर के हाई कहीं पर भी वो गुण व्यक्ति के अंदर मौजूद हो सकता है तो ऐसे में ये जो बिग फाइव फैक्टर्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो एम्प्लॉय कार्य कर करते हैं या कार्यरत हैं उनकी प्रिडिक्शंस उनके बारे में जो उनका बिहेवियरल प्रिडिक्शन है उसको करने के संबंध में बिग फाइव फैक्टर मॉडल और इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चनर्स हैं जिसमें एक फेमस क्वेश्चन नीओ पी है एन ई ओ पी आई यानी कि न्यूरोटिसिजम एक्स्ट्रावर्जन एंड ओपननेस पर्सनैलिटी इन्वेंट्री ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध क्वेश्चनर है जो इस मॉडल पर आधारित है यहाँ हम देखें जो बिग फाइव फैक्टर्स हैं वो पाँच हैं उसमें पहला है ओपननेस टू एक्सपीरियंस जिसमें कि व्यक्ति जो इस तरह के ट्रेट में हा, हाई होता है उसके अंदर ये गुण पाए जाते हैं कि वो ज़्यादा इमेजिनेटिव होगा सेंसिटिव होगा क्रिएटिव होगा और ओपन माइंडेड होगा इसके साथ ही साथ कॉन्सांशियसनेस का जो फैक्टर है या जो ट्रेट है जिन व्यक्तियों में ये ट्रेट हाई होता है या जिनका स्कोर इस ट्रेट पर हाई आता है उनके अंदर ये पाया गया है कि वो मैथडिकल होते हैं प्रिजर्विंग होते हैं और गोल ओरिएंटेड होते हैं यानी कि ये व्यक्ति एक निश्चित तरीके से एक पद्धति पर काम करना पसंद करते हैं और ये थोड़े से ऑर्थोडॉक्स तरीके से रहते हैं और ये चीज़ों को संचयित करके रखते हैं और ये अपने उद्देश्य के प्रति बिल्कुल एकदम फोकस्ड रहते हैं इसके बाद एक्स्ट्रा वर्जन का जो फैक्टर है उसमें इस तरह के व्यक्ति जो इस ट्रेट में हाई होते हैं वो एक्टिव होते हैं ज़्यादा सोशेबल होते हैं और चीयरफुल होते हैं इसके बाद जो अगला फैक्टर है दैट इज़ एग्रीएबलनेस और एग्रीएबलनेस में जो व्यक्ति इस फैक्टर में हाई होते हैं वो उनके अंदर गुड नेचर्ड उनका बिहेवियर होता है कॉम्प्लाइंट होते हैं मॉडेस्ट होते हैं दे आर ऑल्सो फाउंड टू बी जेंटल एंड कोऑपरेटिव यानी कि ये मित्रवत रहते हैं ये दूसरों का सहयोग भी करते हैं और ये बहुत ही ईजी वे में लोगों से मिलते जुलते हैं और इनके साथ लोगों को घुलने मिलने में समस्या नहीं आती और ये आलोचना नहीं करते ज़्यादा किसी की भी और सभी के साथ ये बेहतर सामंजस्य बनाते हैं उसके बाद जो अंतिम जो इस पांच फैक्टर्स में जो अंतिम फैक्टर है दैट इज़ न्यूरोटिसिज्म और न्यूरोटिसिज्म में जो व्यक्ति हाई एंड पर होते हैं उनके अंदर डिस्ट्रेस एंजाइटी फियर गिल्ट एंगर ये सभी उनके अंदर ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है यानी कि जो न्यूरोटिसिज्म के डायमेंशन पर हाई होगा वो इंडिविजुअल उसके अंदर हाई लेवल ऑफ एंजाइटी, हाई फ़ियर, हाई गिल्ट हाई एंगर हाई डिप्रेशन इस तरह के उसकी जो ओवरऑल बिहेवियरल एक्सप्रेशंस में ये चीज़ें ज़्यादा रिफ्लेक्ट होंगी इसके बाद जो फाइव फैक्टर मॉडल है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला पर्सनैलिटी थियोरी है और जो व्यक्ति का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होगा विद इन दी ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग उसमें और उसकी जो ओवरऑल जो क्वालिटीज़ हैं पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बीच का एक बेहतर प्रडिक्शन करने में ये पर्सनैलिटी मॉडल या ये जो ओवरऑल फाइव फैक्टर मॉडल है ये बहुत ही उपयोगी है इसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि ये एक चार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है और ये इन ट्रेट्स से जुड़े हुए कुछ डिस्क्रिप्शन हैं यानी जिनके अंदर ये ट्रेट मौजूद होगा उनके अंदर कौन कौन से गुण पाए जाएंगे और कौन कौन से गुण नहीं पाए जाएंगे ये उसका एक पूरा डिस्क्रिप्शन है और ये डिस्क्रिप्शन गोल्ड के द्वारा दिया गया था और इसमें हम देख सकते हैं कि जो व्यक्ति न्यूरोटिसिज्म के लेवल पर जो हाई होंगे वो अनस्टेबल होंगे एंक्शियस होंगे इमोशनल होंगे और नर्वस ज़्यादा महसूस करेंगे और वो क्या नहीं होंगे यानी जो न्यूरोटिसिजम के स्केल पर हाई नहीं होंगे वो ज़्यादा सिक्योर महसूस करेंगे ज़्यादा रिलैक्स्ड होंगे ज़्यादा काम होंगे यानी शांत स्वभाव के होंगे ज़्यादा स्थिर होंगे स्टडी होंगे और आसानी से एट ईज रहेंगे उसके बाद एक्स्ट्रा वर्जन के गुण पे जो लोग हाई एंड पे होंगे वो ज़्यादा सोशेबल होंगे टकेटिव होंगे एसर्टिव होंगे डोमिनेंट होंगे और अगर उनके अंदर एक्स्ट्रा वर्जन का गुण कम होगा यानी उस ट्रेट पर अगर वो लो स्कोर करेंगे तो वो शाई होंगे क्वाइट होंगे इनिबिटेड यानी वो किसी भी कार्य को करने में उनके अंदर एक रुकावट महसूस करेंगे सबमिसिव होंगे जल्दी से किसी के भी सामने अपनी बात को आ, आ, मान मान लेना या तुरंत किसी के भी सामने हार मान लेना और बैशफुल तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो उनके अंदर ये ट्रेड देखने को मिलेंगे जब उनके अंदर एक्स्ट्रा वर्जन का जो गुण है वो लो स्कोर होगा इसके बाद ओपननेस की जब हम बात करते हैं तो ओपननेस के स्कोर पर जो लोग हाई एंड पर होंगे उनको उनके अंदर इमेजिनेटिव क्रिएटिविटी और कॉम्प्लेक्स एंड क्यूरियोसिटी ये कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा देखने को मिलेंगे और जो ओपननेस के डायमेंशन पर लो एंड पर होंगे यानी कि उनका स्कोर ओपननेस के एंड पे ओपननेस के डायमेंशन पे लो एंड पे होगा उनके अंदर कन्वेंशनल हम देखेंगे कि वो कन्वेंशनल हैं ट्रेडिशनल हैं सिंपल हैं अन हैं यानी कि उनके अंदर ज़्यादा कौतूहल नहीं होता वो ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे कन्फर्मिंग होंगे यानी कि वो लोग ज़्यादा आसानी से दूसरों की बातें मान जाते हैं जैसा दूसरे करते हैं वो भी वैसा ही करेंगे वैसा ही फॉलो करेंगे वो अपना कुछ नया नहीं करेंगे उसी के साथ एग्रीएबलनेस एग्रीएबलनेस में जो इस डायमेंशन पर हाई होंगे उनके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा पाए जाएंगे वो होंगे कोऑपरेटिव होंगे ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ज़्यादा कर्टियस होंगे एंड ज़्यादा वार्म होंगे यानी वो लोगों से बहुत गर्मजोशी के साथ मिलेंगे लोगों के साथ बहुत आदर से पेश आएंगे लोगों की मदद करेंगे और सबके साथ सहायतापूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करेंगे जबकि जो एग्रीएबलनेस के डायमेंशन पर लो एंड पे होंगे वो ज़्यादा क्रिटिकल होंगे ज़्यादा कैरल होंगे कोल्ड होंगे और रूड बिहेव करेंगे और सेल्फिश तरीके से तरीके से पेश आएंगे इसी के साथ कॉन्सानशियसनेस की जब हम बात करते हैं तो कॉन्सांशियसनेस में जो व्यक्ति हाई एंड पर होंगे इस डायमेंशन में वो ऑर्गेनाइज रिलायबल एम्बिशियस और हार्ड वर्किंग होंगे उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा पाए जाएंगे और उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स कम होंगे यानी वो इन कैरेक्टरिस्टिक्स में यानी ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये गुण उनके अंदर कम देखे जाएंगे उसमें है लेजीनेस इस्पॉन्सिबिलिटी इनफिशेंसी केयरलेसनेस एंड नेग्लिजेंसी तो ये जो ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है जो गोल्डबर्ग के द्वारा दिया गया है ये कहीं ना कहीं हमें ये समझने में सहायता करता है कि फाइव फैक्टर मॉडल के तहत अगर कोई इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर डायमेंशन पे हाई स्कोर कर रहा है या लो स्कोर कर रहा है तो उसके अंदर कौन से करेक्टरिस्टिक्स होने की संभावना ज़्यादा है और ऐसे में हम उसका ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और जो पर्टिकुलर जॉब के लिए हम उसको हायर कर रहे हैं उसके लिए वो व्यक्ति ज़्यादा प्रभावी होगा जैसे अगर इसका एक उदाहरण मैं आपको दूँ तो यदि कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति एक्स्ट्रा वर्जन में हाई एंड पर होगा यानी वो ज़्यादा सोशेबल होगा ज़्यादा टॉकेटिव होगा और ज़्यादा चेयरफुल होगा तो ऐसे व्यक्ति को हम सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब अगर देंगे तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं बेहतर परफॉर्म करेगा उस व्यक्ति की तुलना में जो एक्स्ट्रा वर्जन के डायमेंशन पर लो एंड पर स्कोर करेगा तो इस तरह से और ऐसे ही बहुत से जैसे कॉन्सांशियसनेस का भी जो डायमेंशन है वो भी विद इन ऑर्गेनाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण प्रिडिक्टर माना जाता है ओवरऑल परफॉर्मेंस का क्योंकि कॉन्सांशियसनेस पर जो लोग हाई होंगे वो कही कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव होते हैं मैथडिकल होते हैं रूल फॉलोइंग होते हैं तो इस तरह के जो लोग हैं उनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होगी वो ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में वो रूल्स को फॉलो करेंगे वो प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो वो डिविएट नहीं होंगे तो इस तरह के जो लोग हैं उनका ओवरऑल जो कमिटमेंट और जो ओवरऑल उनका जो परफॉर्मेंस होगा वो कहीं ना कहीं बेहतर होगा तो इस तरह से जो ये फाइव फैक्टर मॉडल है ये कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है हमें इंडिविजुअल्स के बीच में डिफ़्रेंशिएट करने में कि वो पर्सनैलिटी के डायमेंशन पर उनकी जो वर्क जो उनकी परफॉर्मेंस होगी उसको प्रिडिक्ट करने में ये हमें सहायक होता है इसके बाद एक और मॉडल है विच इज द डार्क ट्राइड मॉडल और ये जो डार्क ट्राइड मॉडल है इसके पहले जो हमने पूर्व में अभी चर्चा की फाइव फैक्टर मॉडल की वहां पर हमने ये देखा कि वहां पर हमने ज़्यादातर पॉजिटिव आस्पेक्ट की चर्चा की यानी कि एक व्यक्ति के अंदर मौजूद जितने भी पॉजिटिव क्वालिटीज हो सकती हैं उन पर ज्यादा फोकस था जबकि जो डार्क ट्रायड मॉडल है इसमें एक व्यक्ति के अंदर जो सोशली एवर्जिव जो उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि एक नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उनकी किस मात्रा में उसके अंदर मौजूदगी है यानी उन डायमेंशंस पे वो व्यक्ति कितना हाई और लो एंड पर है इसकी जो जानकारी है या इसका जो प्रिडिक्शन है वो डार्क ट्रायड मॉडल के माध्यम से किया जा सकता है और इसीलिए और इसीलिए द डार्क ट्रायड पर्सनैलिटी मॉडल ट्रेड्स रिफर टू सोशली एवर्जिव एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सन पर्सनैलिटी दैट कैन प्रोड्यूस आउटकम्स अक्रॉस डिफरेंट डोमेन्स सच एज ऑक्यूपेशन एंड अदर सेटिंग्स. तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो व्यक्ति है उसके अंदर जो उसके नेगेटिव आस्पेक्ट्स हैं उसकी पर्सनैलिटी है, के वो किस प्रकार से उसके जो ओवरऑल जो आउटकम्स हैं जो रिस्पॉन्स है जो बिहेवियर है, है उसको अफेक्ट करते हैं इसके बाद जो तीन प्रमुख डार्क ट्राइड ट्रेड्स हैं उसमें पहला है मैकियावेलिज्म यानी कि जो इसको हम मैकियावली का जो सिद्धांत है या जो मैकियावली वाद है उससे भी हम इसको जोड़ के देख सकते हैं और जिसमें प्रमुख रूप से व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा पावर का लस्ट होता है यानी कि उसके अंदर बहुत इच्छा होती है शक्ति को अपने कंट्रोल में रखने की और इसी तरह से हम देख सकते हैं कि मैकयावली निज़्म जो टेंडेंसी है उसमें व्यक्ति दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करता उसके अंदर एक विलिंगनेस होता है यानी कि वो झिझकता नहीं है किसी भी तरह से किसी भी इमोरल बिहेवियर में एंगेज होने से उसके बाद उसके अंदर ये डिज़ायर होती है कि वो खुद के स्टेटस को बहुत ऊंचा करे या बढ़ा दे और उसी के साथ साथ वो दूसरे लोगों पर कंट्रोल करने की जो उसकी इच्छा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे में जो दूसरा ट्रेट है जो डार्क ट्राइड ट्रेट है वो है नार्सिसिज्म एंड नार्सिसिज्म इज़ अबाउट मैनिफेस्टेशंस ऑफ इंटरपर्सनली एक्सप्लॉयटेटिव एक्ट्स लैक ऑफ एम्पेथी इंटेंस एंड एग्रेशन एंड यानी कि जो इस तरह के लोग होंगे जिनके अंदर ये ट्रेट ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा हाई एंड पे जो इस ट्रेट में होंगे वो व्यक्ति ऐसे कार्य करेंगे जिससे वो दूसरों का शोषण करते हैं या उनके अंदर सहृदयता या सहानुभूति की जो भावना है वो नहीं के बराबर होती है और वो दूसरों से बहुत अधिक ईर्ष्या रखेंगे और साथ ही साथ वो अंदर से बहुत ही एग्रेसिव होंगे और उनके अंदर दिखावटीपन यानी एग्जीबिशनिज़म एक, यानी कि वो अपनी चीज़ों को दिखाने का उसको फ्लॉन्ट करने का सबके सामने शो ऑफ करने का जो उनका जो एक टेंडेंसी होती है वो अधिक होती है इसके साथ, साथ साइकोपैथी और ये जो तीसरा ट्रेट है जो नेगेटिव ट्रेट इसमें एक व्यक्ति जो है उसके अंदर लैक ऑफ गिल्ट एंड रिमोर्स यानी कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का गिल्ट फीलिंग नहीं होगा और कोई पछतावा नहीं होगा उसके अंदर यानी वो गलत कार्य करने के बाद भी उसको अंदर से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी ना ही उसको कोई पछतावा होगा और इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं जिनको साइकोपैथिक या, या साइकोपैथेटिक पीपल की श्रेणी में रखा जाता है जो कि कहीं ना कहीं समाज के लिए एंटी सोशल एलिमेंट्स के तौर पर भी देखे जाते हैं और वो कहीं ना कहीं उनके, उनके अंदर इम्पल्सिविटी बहुत हाई होती है और वो रूल्स ब्रेक करना उनके लिए एक आम आदत की तौर पर देखा जाता है और वो हमेशा दूसरों को या उनकी जो दूसरों को वो नुकसान पहुंचाने की टेंडेंसी रखते हैं तो इस प्रकार से ये जो तीन महत्वपूर्ण जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं अंडर दिस डार्क ट्रायड मॉडल मैकेबेलिनिज्म नार्सिसिज्म एंड साइकोपैथी ये तीनों ही कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी लोग हैं जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको कई बार लोग सबके सामने अपने इन बिहेवियर्स को प्रकट नहीं करते इन ट्रेड्स को वो एग्जिबिट नहीं करते परंतु मौका मिलने पर जब भी पावर उनके पास हो या जब भी कोई उन्हें ऑब्जर्व ना कर रहा हो तो इस तरह के वो एक्ट्स करते हैं जिसकी वजह से ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन का जो एन्वायरमेंट है वो कई बार नेगेटिव हो जाता है इसलिए इस तरह की जो मॉडल है उससे कुछ प्रडिक्शंस उनके बिहेवियर के बारे में किया जा सकता है उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में और उससे बेहतर डिसीजंस लेने में हमें मदद मिलती है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग एक और इम्पॉर्टेंट जो इंडिकेटर है वो है द मायर्स ब्रिक्स टाइप इंडिकेटर यानी पर्सनैलिटी का जो मेजरमेंट है उसका एक और महत्वपूर्ण जो टाइप इंडिकेटर है वो है मायर्स एंड ब्रिक्स द्वारा दिया गया ये टाइप सिद्धांत और इसके बाद जो अगली जो पर्सनैलिटी से संबंधित एक सिद्धांत है जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है द मायर्स ब्रिक्स टाइप इंडिकेटर और ये जो सिद्धांत है ये कहीं ना कहीं काल जंग के सिद्धांत पर आधारित होकर के मायर्स एंड ब्रिक्स ने ये सिद्धांत या ये टाइप इंडिकेटर जो बनाया था और इसमें उन्होंने चार प्रमुख जो फंक्शंस हैं उसके आधार पर कहा कि व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं और वो चार जो आधार हैं जो कार्य हैं वो हैं पहला सेंसिंग जिसमें कि जो व्यक्ति है वो अपने आसपास होने वाली जो चीज़ें हैं उनको वो सेंस कर पाता है और अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको प्रोसेस कर पाता है इसके बाद थिंकिंग यानी कि द पर्सन अंडरस्टैंड वट समथिंग इज एंड अ नेम टू वट इज़ बींग सेंस्ड यानी कि वो उस जो चीज़ उसने अभी सेंस की है वो उसका नामांकन भी कर पाता है उसको समझ भी पाता है कि वो क्या वस्तु है या क्या चीज़ है इसके साथ ही साथ जो तीसरा फंक्शन है दैट इज फीलिंग और फीलिंग में द पर्सन रिएक्ट्स इमोशनली टू थिंग्स एंड डिफाइंस देम एज एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल यानी कि जो व्यक्ति है वो अपने फीलिंग एस्पेक्ट पे उस चीज़ के बारे में ये निर्धारित करेगा कि वो उसे पसंद थी या ना पसंद थी और उसी के आधार पर उसका इमोशनल डिस्प्ले होगा इसके बाद इंट्यूशन और इसमें द पर्सन हैज सम आइडियाज़ अबाउट पास्ट और फ्यूचर इवेंट्स डिस्पाइट हैविंग नो कंक्रीट और रियल इंफॉर्मेशन यानी कि व्यक्ति के अंदर ये क्षमता होगी कि भूतकाल को जाने बिना और भविष्य को जाने बिना भी उनकी एक समझ बनाने की उसकी एक क्षमता होगी एक इंट्यूटिव क्षमता उसके अंदर होगी और इन कार्यों के आधार पर इस सिद्धांत में चार प्रमुख प्रकार के टाइप्स की बात की गई है जिसमें पहला टाइप है टाइप वन दैट इज सेंसिंग थिंकिंग टाइप पर्सनैलिटी उसमें जो व्यक्ति है ही और शी कैन बी कैटेगराइज एज कोल्ड लिविंग फॉर द प्रेजेंट प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन फैक्ट्स एंड वेरी प्रैक्टिकल तो जैसा हम यहाँ देख रहे हैं वो व्यक्ति उसको प्रैक्टिकल चीज़ों से ज़्यादा महत्व मतलब रहता है और वो आज में जीना चाहता है और वो कहीं ना कहीं बाकी चीज़ों को लेकर के उदासीन रहता है इसके अलावा जो सेकेंड टाइप है दैट इज़ टाइप टू थिंकिंग इंटविशन टाइप और इस तरह के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको देखा जाता है एक रेशनल व्यक्ति के तौर पे एक एनालिटिकल व्यक्ति के तौर पे और वो चीज़ों को ब्रॉड व्यू में देखते हैं एंड हाईली सोशेबल होते हैं यानी ज़्यादा सामाजिक होते हैं इसके बाद जो टाइप थ्री है फीलिंग सेंसिंग टाइप ऑफ पीपल वो ऑपोजिट टाइप टू के बिल्कुल अपोजिट होते हैं और वो फैक्चुअल रहना चाहते हैं और दे वॉन्ट टू ग्रुप टेंजिबल थिंग्स यानी हो सकने वाली चीज़ों को ही वो ध्यान देते हैं और वो इमोशनल होते हैं इसके बाद टाइप फोर इंट्यूशन एंड फीलिंग जिसमें ऑपोजिट ऑफ टाइप वन एंड डिस्क्राइब्ड एज इमोशनल सोशबल टेकिंग अ ब्रॉड व्यू एंड बीइंग प्रोन टू हाइपोथेसाइजिंग। तो इस तरह के जो व्यक्ति हैं उनके अंदर वो ज़्यादा इमोशनल होंगे सामाजिक होंगे वो चीज़ों के बारे में एक ब्रॉड व्यू बनाएंगे रखेंगे और साथ ही साथ वो काल्पनिक भी कुछ हद तक होंगे तो ये सभी गुण इन व्यक्तियों में रहेंगे तो इसके आधार पर भी ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह के व्यक्तियों को जब इस तरह से टाइप में इंडिकेट किया जाता है या उनकी पर्सनैलिटी को इवेल्युएट किया जाता है तो उसके आधार पर भी उनकी परफॉर्मेंस को का मूल्यांकन करने का प्रयास किया जाता है अब यहां पर आपके लिए एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो पर्सनैलिटी के ये जो डायमेंशन या ये जो टेस्ट यूज किए जाते हैं या ये जो मॉडल्स यूज किए जा रहे हैं ये ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में इसलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत कम समय में व्यक्ति के बारे में यानी एम्प्लॉय के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकालनी होती है और वो भी इस रेफरेंस में कि वो व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी होगी तो इस तरह से हमारा जो मुख्य उद्देश्य यहाँ पर है वो किसी की पर्सनैलिटी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना ही वो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी क्यों हुई वो ऐसा व्यक्ति क्यों बना या जो उसके डेवलपमेंटल फेज है उसके दौरान कौन सी घटनाएं हुई ये इन सब बातों पर यहाँ फोकस नहीं होता यहाँ जो मुख्य उद्देश्य है वो है मेजरमेंट का इवेल्यूएशन का और उससे आधारित जो प्रिडिक्शन है किस प्रकार से ये जो पर्सनैलिटी टाइप्स हैं ये क्या दर्शाती हैं वो व्यक्ति वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से बिहेव करेगा उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा उसका ओवरऑल एडजस्टमेंट कैसा होगा इनके बारे में ये हमें सूचना प्रदान करती हैं तो इसलिए हमें इनको इसी तरह से यहाँ पर समझने का प्रयास करना है उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है वह है एबिलिटीज के बारे में और जब हम क्षमता की बात करते हैं तो एबिलिटी इज एन इंडिविजुअल्स कैपेसिटी टू परफॉर्म और लर्न हाउ टू डू अ पर्टिकुलर टास्क एंड एबिलिटीज डिफर फ्रॉम स्किल्स अब इस बात का अर्थ ये है कि जो एबिलिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर मौजूद होती हैं यानी वो कहीं ना कहीं एक परमानेंट हमारा एक जो हमारी योग्यता है उसका नेचर परमानेंट होता है और जबकि जो स्किल्स होते हैं वो हम इन्हीं एबिलिटीज़ के आधार पर उनको हम ग्रहण करते हैं या सीखते हैं और हमारे पास आज जो स्किल नहीं है यदि हमारे अंदर एबिलिटी होगी तो हम उस इस स्किल को बाद में सीख सकते हैं और इसलिए जो एबिलिटी है वो हमारा कहीं ना कहीं हमारी रियल कैपेसिटी है और जो स्किल है, वो हमारा लर्नड एस्पेक्ट है यानी हमने उसको सीखा है और वो हम समय के साथ उसको और बढ़ा सकते हैं यानी स्किल सेट को हम और बढ़ा सकते हैं बट एबिलिटी एस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा उसको चेंज नहीं किया जा सकता या वो चेंज नहीं होता इसके बाद जो दो प्रमुख प्रकार की एबिलिटीज़ होती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में जिन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है उसमें एक है कॉग्निटिव एबिलिटी और दूसरी है फिजिकल एबिलिटी कॉग्निटिव एबिलिटी ज़्यादातर हमारे मेंटल जो हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं जैसे हमारी वर्बल कैपेसिटी या हमारी स्पेशल ओरिएंटेशन या स्पेशल जो हमारी एबिलिटी है इस प्रकार की जितनी भी हमारी जो ओवरऑल जो कॉग्नेटिव एबिलिटीज़ हैं वेदर इट इज़ अबाउट रीजनिंग या हमारी थिंकिंग कैपेसिटी या हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी तो ये सभी जो हमारी एबिलिटीज़ हैं या हमारी एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड तो ये सब हमारी कॉगनेटिव एबिलिटी के अंदर आती हैं और ये भी कहीं ना कहीं इनके आधार पर जो इंडिविजुअल्स हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं या करते हैं इसके बाद फिजिकल एबिलिटी यानी कि शारीरिक क्षमता के आधार पर हम इंडिविजुअल्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं यानी कौन सा व्यक्ति ज़्यादा उसकी शारीरिक क्षमता ज़्यादा है कम है या फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है या उसकी हाइट वेट इन सभी के आधार पर हम उसको कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये जो कॉग्निटिव एबिलिटी एंड फिजिकल एबिलिटी के आधार पर भी हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं इसके अलावा जब हम बात करते हैं एबिलिटी टेस्टिंग की तो उसके उपयोग भी हैं और उसकी कुछ सीमाएं भी हैं उपयोग ये हैं कि एबिलिटी टेस्टिंग के माध्यम से सर्वप्रथम हम एक व्यक्ति को भी ये बता सकने में सक्षम होंगे कि वो किस कार्य के लिए ज़्यादा उपयुक्त है और उसको किस क्षेत्र में ज़्यादा फोकस करना चाहिए ज़्यादा प्रयास करने चाहिए और साथ ही साथ एबिलिटी टेस्टिंग के माध्यम से एक ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्री में हम बेहतर अभ्यर्थियों का चयन कर सकेंगे जो उस एबिलिटी को प्रोजेस करते हैं और वो उस कार्य को जिस कार्य के लिए हम उन्हें हायर कर रहे हैं या उनको रिक्रूट कर रहे हैं उस कार्य को वो बेहतर ढंग से बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे उनकी एबिलिटी के आधार पर तो ये इसकी महत्वपूर्ण यूज़ है साथ ही साथ इसकी सीमा ये है कि एबिलिटी टेस्टिंग को कभी भी हम किसी भी व्यक्ति की हंड्रेड जो एबिलिटी है उसको हम कभी भी एसेस नहीं कर सकते या जो उसकी रियल एबिलिटी है उसको हम एसेस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो एबिलिटी टेस्ट एबिलिटी टेस्टिंग के जो साधन हैं जो मेजर्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो कहीं ना कहीं एक सेंस में लिमिटेड हैं चाहे हम इंटेलिजेंस टेस्टिंग की बात करें चाहे हम पर्सनैलिटी टेस्टिंग की बात करें या इस पर्टिकुलर केस में हम एबिलिटी की जब बात कर रहे हैं तो उनकी जो ओवरऑल जो स्किल सेट है जो उनकी इंटेलिजेंस है उन सभी की जब हम बात करते हैं तो या उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी है तो इनको हम बहुत सटीक तरीके से मापने का हमारे पास कोई ऐसा अभी तक साधन नहीं है जिससे हम इनको आ, किसी भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से ये कह सकें कि उसकी रियल एबिलिटी को हमने मेज़र किया है तो इस वजह से इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं और यही रीज़न है कि एबिलिटी टेस्टिंग किसी भी संस्था में एक तरीका हो सकता है किसी व्यक्ति के बारे में किसी एम्प्लॉय के बारे में किसी निर्णय या किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए परंतु वो इकलौता या सिर्फ एक कारण नहीं होना चाहिए उसके अलावा अदर फैक्टर्स भी हैं जिनको ध्यान में रखा जाना चाहिए और उसके बाद उन सभी फैक्टर्स को एक साथ देखते हुए भी कोई डिसीजन लेना चाहिए इसके बाद जो अंतिम फैक्टर है जिसके आधार पर हम इंडिविजुअल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वर्क सेटिंग में वो है इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि जो हमारी इंटेलिजेंस की जो एबिलिटी है और हमारी जो इमोशनल एबिलिटी है ये दो अलग अलग चीज़ें हैं यानी हमारे अंदर जो क्षमता है जो इंटेलिजेंस है जो बुद्धि हमारे पास है और जो हमारी इमोशनैलिटी है यानी कि जो हमारे संवेग हैं हमारे अंदर जो मौजूद है जो हमारा फीलिंग एस्पेक्ट है जो हमारा उससे संबंधित जो भी हम क्या महसूस कर रहे हैं कैसा हम हमारे अंदर फिजोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं ये सभी तो उससे संबंधित और ये दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं और आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत बात होती है और इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि ये हमारे इंटेलिजेंस से अलग एक इंटेलिजेंस है हमारे अंदर यानी एक अलग प्रकार की एबिलिटी के तौर पर इसको देखा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस को और इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस की जो परिभाषा भी जो हम देने का प्रयास करते हैं उसमें जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको ये माना गया है दैट इमोशनल इंटेलिजेंस कंसर्न्स द एबिलिटी टू कैरी आउट एक्यूरेट रीजनिंग अबाउट इमोशंस एंड एबिलिटी टू यूज़ इमोशंस एंड इमोशन नॉलेज टू एनहांस दो इसका मतलब है कि जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस की जो एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं हमें एक बेहतर रीज़निंग करने के लिए कैपेबल बनाती है और हम अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से यूज़ कर पाते हैं और हमें अपने इमोशंस के बारे में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज होती है और इससे हमारा जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होता है तो इससे संबंधित एक फोर ब्रांच मॉडल इमोशनल इंटेलिजेंस का जो मेयर एंड सेलोवी ने प्रपोज किया है उसमें उन्होंने मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया है कि इमोशनल जो इंटेलिजेंस है वो एक एबिलिटी है यानी हमारी एक प्रकार की योग्यता है न कि कोई ऐसी चीज़ जो कि हमारी बॉडी में या हमारे माइंड में कोई इनबिल्ड सिस्टम है बल्कि वो इसको एक योग्यता के तौर पर देखते हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस इसीलिए हमारे ओवरऑल परफॉर्मेंस और चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग हो चाहे पर्सनल लाइफ हो या चाहे सोशल लाइफ हो हर जगह इमोशनल इंटेलिजेंस इसीलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये हमारी योग्यता से जुड़ा हुआ है ये हमारी एक प्रकार की एबिलिटी है और इसमें जो चार प्रकार की एबिलिटीज़ को मेयर एंड सैलोवी ने बताया है उसमें पहली है एबिलिटी टू परसीव इमोशंस यानी कि भावनाओं को समझने की क्षमता दूसरा भावनाओं का उपयोग करने की क्षमता एबिलिटी टू यूज इमोशंस तीसरा एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इमोशंस यानी कि भावनाओं को या संवेग को समझने की क्षमता उसके बाद एबिलिटी टू रेगुलेट इमोशंस यानी कि संवेग को या भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता यानी कि केवल यही नहीं कि हम अपनी इस एबिलिटी को की आधार पर इमोशंस को कितने बेहतर तरीके से हम परसीव कर पाते हैं और कितने बेहतर तरीके से हम अपने इमोशंस को यूज़ कर पाते हैं और हम अपने इमोशंस की कितनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग रखते हैं अपने ही नहीं बल्कि दूसरों के भी इमोशंस की एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाने में हम सक्षम होते हैं और चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्या हम इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं यानी क्या हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं क्या हम अपने इमोशंस के द्वारा गवर्न होते हैं या हम इमोशंस को गवर्न कर सकते हैं इस बारे में जो हमारी एबिलिटी है तो ये जो एबिलिटीज़ हैं हमारी ये कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित करती हैं कि ओवरऑल जो व्यक्ति जो एम्प्लॉय है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद उसका जो अपने कार्य से संबंधित अपने वर्क लाइफ बैलेंस से संबंधित जो पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ का जो बैलेंस है या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी वो दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है या अपने सीनियर्स के साथ या अपने जूनियर्स के साथ या अपने कलीग्स के साथ या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो कैसा महसूस करता है ज़्यादा कमिटेड महसूस करता है ज़्यादा मोटिवेटेड महसूस करता है या वो डिप्रेस महसूस कर रहा है एंशियस महसूस कर रहा है तो इस तरह की जितनी भी इंडिविजुअल की एक एम्प्लॉय की जितनी भी इस तरह के आस्पेक्ट्स हैं कहीं ना कहीं उसके इमोशनल इंटेलिजेंस से ये सभी आस्पेक्ट्स जुड़े हुए हैं उसका ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन से जो उसका जॉब सेटिस्फेक्शन है जो उसका वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ बैलेंस है वो सभी कहीं ना कहीं व्यक्ति एम्प्लॉई अगर वो इमोशनली इंटेलिजेंट है अगर वो उसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद है वो अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से यूज़ करता है उनको बेहतर तरीके से कंट्रोल करता है उनको बेहतर तरीके से समझता है उनको बेहतर तरीके से परसीव करता है तो ऐसा व्यक्ति ऐसा एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा ज़्यादा बेहतर तरीके से एडजस्ट करेगा ज़्यादा मोटिवेटेड होगा ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा तो इस प्रकार से इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसका वर्क प्लेस में बहुत ही महत्वपूर्ण इम्प्लीकेशन बनता है क्योंकि इससे हम जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में उनकी परफॉर्मेंस होगी उसको हम बहुत हद तक प्रिडिक्ट कर सकने की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमने आज चर्चा की कि किस प्रकार से जो मनोविज्ञान जो है उसका उपयोग होता है इंडस्ट्रीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स में तो इससे जुड़े हुए अभी तक हमने बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उनकी चर्चा की जिसमें हमने सिलेक्शन प्रोसेस की भी चर्चा की जॉब एनालिसिस की भी चर्चा की ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की भी चर्चा की हमने वर्क प्लेस में किस तरह से हम इंडिविजुअल्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एट द लेवल ऑफ पर्सनैलिटी एबिलिटी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस उसकी भी हमने चर्चा की तो हम अपने अगले सत्र में जो कि लेक्चर नंबर फाइव अपने इस कोर्स में हम उसकी अपने अगले सत्र में वहाँ एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे तो आज के अपने इस सत्र को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ और आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू